पूरा देश आज गांधी जी पे अटका था, कांग्रेस हमें गोडसे याद दिला दी तो किनकी दुकान गोडसे चलाता है। अब सुनाते हैं, वही सुना रहे हैं पूरे। ये कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, पौने 3% वाले, आप लोग कह रहे थे 5%, पौने 3% वाले नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे के 14% वाले किसी ईबीसी को मुख्यमंत्री बना दे। बोला बनाएंगे, खैर बनाएंगे ना। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार से कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है। अब मैं आपको खेल बताता हूँ। एक मिनट, ना, अब मैं आपको खेल बताता हूँ कितना खतरनाक होने वाला है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। एक्चुअली मैं सासाराम से हूँ, रोहतास के रहने वाले, बिक्रमगंज से हूँ। रोहतास से बिक्रमगंज से रहने वाले हूँ। हाँ तो हम समझ गए, तो बिहार के आधा इधर है आधा उधर है। सर ऐसी है कि नीतीश कुमार और किसी बारे में नहीं बोले, कल बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, कल उसके बारे में कोई बोलने वाला। अरे रुको, पहले तो तय हो जाए चुनाव, कैसे जीता जाए कैसे लड़ा जाए, तुम्हें भय पड़ी है। अरे रुको, मोदी जीतेगा। अरे रुको, तुम्हें चुनाव, रुको एक मिनट, सारे लोग रुको। ये चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम आपको वहां खड़ा करके चले जाएंगे जहां बहुत खतरनाक डिवीजन होने वाला है। मैंने पहले भी कहा कौन कितना त्याग करने को तैयार है, अति पिछड़ों के लिए, अति पिछड़े पूछे पिछड़ों से कि कितना त्याग किया, पिछड़े पूछे एससी से या एससी पूछे ओबीसी से, और पंडित जी बताएं कि हमने इतना त्याग किया है। और अब तो यही बात है कि समाज को लाना है आगे तो त्याग करना पड़ेगा, लेकिन किसने कितना किया। जातिवादी के लिए नहीं त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा तो देश के लिए त्याग करना पड़ेगा, ना कि जातिवाद। जनता कहती देश, अब ये माइंडसेट। चुनाव का समय, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता।